स्वस्थ भेंट, छोटी सी भेंट है गुरु जी। थैंक यू बेटा, खुश। सबसे पहले तो पूरे दरबार को, गुरु जी को कोटि कोटि नमन है और धन्यवाद है गुरु जी, आपने हमारे सारे पुत्र पितृ जो है सारे मुक्त कर दिए, सारे काम संपन्न हो रहे हैं गुरु जी आपकी दृष्टि से। सब बेटा दरबार करता है, बाबा माँ करते हैं, उन्हीं कृपा आप पे बरसती है। गुरु जी एक आशीर्वाद है बस, आपके चरणों में हमारे परिवार की गुरु भक्ति बनी रहे बस। बिल्कुल बेटा, हमेशा बनी रहेगी। गुरु जी मेरे पिताजी हैं, उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई थी, बीएस हॉस्पिटल ने मना कर दिया था, गुरु जी आपसे प्रार्थना किया, उनकी दृष्टि वापस आ गई है, अभी वो देख सकते हैं अभी। वाह खुश है, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बुलाइए, उनको बुलाओ। आरआर हॉस्पिटल ने भी बोले कि अभी कैसे करें, आपसे प्रार्थना की, आपने कहा कि हो जाएगा सब ठीक। जो मोतियाबिन था वो बोल रहे थे कि अभी होगा, अभी आँख बंद हो जाएगी, लेकिन 3 साल हो गए हैं, अभी तक उस आँख से इतना अच्छा देख रहे हैं। अकेले इनको लाइए, अकेले, बस अकेले, बस बस वहीं रुके। हाँ मिल गए, क्या कर दो, अब तो इतने दिन हो गए, 3 साल हो गए कोरोना से पहले आपके दर्शन करते करते, 4 बार मिले, अब तो दया कर दो, ऐसी क्या गलती है मेरे जीवन में, हैं दया कर, आप दयालु हो, इनके लेपन दादा गुरु जी के जो है, आप लेपन और करा दो, दया कर, और ज्यादा बिल्कुल अच्छी हो गए। कोरोना से रोशनी, इनकी तो रोशनी बिल्कुल चली गई थी। आप आइए माइक पे, आप आइए माइक पे, माइक पे आइए, आप किनारे, आप इधर आइए। डॉक्टरों ने आँख खराब कर दिया था बेस हॉस्पिटल ने गुरु जी, आपकी दृष्टि पड़ी, वो आँख में रोशनी आ गया गुरु जी। बिल्कुल, ये बाबा कृपा है बेटा, माँ की कृपा है, और आपकी आस्था और विश्वास है, आपकी श्रद्धा है दरबार के प्रति, आपका संकल्प काम आता है। गुरु जी एक बार बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया था, अच्छा, और ये जल गए थे पूरे, लेकिन गुरु जी की कृपा से देखो बाल भी आ गए हैं दोबारा, पूरा स्क्रीन भी ठीक हो गया है ना, कुछ नहीं बिगड़ा देखो, और नहीं तो कहीं दवाई नहीं है गुरु जी की, चमड़ी दोबारा आ जाए और बाल दोबारा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत पहले चिकित्सा की होगी, बहुत प्रयास तो किया ही आपने पहले, बस गुरु जी से प्रार्थना किया बस गुरु जी, यही है दरबार में संकल्प और प्रार्थना, इसी से आप अच्छे होते हो। इनकी सुनने की क्षमता चली गई थी गुरु जी, आशीर्वाद से थोड़ा थोड़ा आ रही है, ये एक प्रार्थना लेके आएंगे गुरु जी कि थोड़ा सा सुनने की क्षमता बढ़ जाए। बिल्कुल, दिखाई भी देने लगा है, सुनाई भी देने लगे, खूब थोड़ा थोड़ा सुनने लगे। आंखें बंद करें आप सब लोग, पूरा परिवार आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करो। ओम, पागलों की जो बची हुई स्मृतियां इनके परिवार में सब बाहर निकाली जाए, शिव ये सब निकाल के नष्ट करके सेवकाओं खिला दी जाए। बैलेंस, 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आंख खोलें और अपने अपने बंधन खींचे 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। ओम नमः शिवाय का अपना बंधन खींचो, बंधन खींचो अपना, बंधन खींचो। ओम नमः शिवाय। आपके यहाँ असल में पागलों की स्मृतियाँ बहुत रही हैं, है ना जी गुरु जी, पता है ना, वो चाचा जी हैं वो एकदम ऐसे विरट जाते हैं आपके आशीर्वाद से अभी शांत हैं गुरु जी। हाँ, तो अब लेपन की केवल आवश्यकता है, माता जी को भी कम सुनाई देता है, उनको भी लेपन लगाएं गुरु जी, लेपन की आवश्यकता, तीनों झगड़ जाते हैं। मैं छुट्टी लेके आया गुरु जी कि इस बार बिल्कुल बाबा जी से मिला के लाऊंगा हर चीज। ठीक, अच्छा है, खुश रहिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए गुरु जी, खुश स्वस्थ रहिए। आशीर्वाद है कि बस गुरु भक्ति बनी रहे हमारे परिवार में। बिल्कुल बेटा, सदैव बनी रहेगी, सदैव बनी रहेगी, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न। आओ बेटा नेक्स्ट। गुरु जी मैं रामायण का पाठ करूं मंगलवार में, अच्छा क्या करता रहूं, बंद कर दूं? नहीं, खूब करिए, दिन रात करिए, खूब भजन करिए, बालक नाराज हो ना, ना रामायण का पाठ खूब करिए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, सारे ग्रंथ। पहले भी मैं पूछी थी कोरोना से पहले आपसे, आपने कह दिया कल रामायण का पाठ करो, खूब बिल्कुल करो, खूब करो, अब फिर तो ये बालक ने थोड़ा सा बता दिया रामायण के पाठ में, ये नाराज हो पकड़ पकड़ ना, ना आप क्या करो, तुम क्या ढोंग करो, ना ना अब करो, पढ़ो हर मंगल रोशनी में करते हैं, कोई बात है, रोशनी थोड़ा करके पढ़ना, अच्छा ठीक, खुश हो, बड़े अच्छर वाली होती है ना, खुश है, खूब खुश है बेटा, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।